हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग जो कि अभी जो आपका TGT हुआ है उसमें आया है ये क्वेश्चन। और ये चूँकि विवादित भी है क्योंकि उसमें जो है दो ऑप्शन कहीं काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, मतलब सही होने के लिए, और तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए शुरू करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें है ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ टाइप ऑफ लिरिक। तो एक प्रकार की एक लिरिक पोएम होती है जिसमें क्या होता है, पोएम इन विच अ पर्सन स्पीक्स टू अ साइलेंट ऑडियंस एंड इन द कर्स ऑफ डूइंग सो, ठीक है, रिवील्स अ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज ओन कैरेक्टर। यानी कि यहाँ पे एक प्रकार से आप ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है उसमें क्या होता है कि एक स्पीकर होता है जो कि अदर पर्सन से अगर वो बात कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो साइलेंट होता है, एक साइलेंट लिसनर आप कह लीजिए या साइलेंट ऑडियंस उसकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार से होता है कि एक वन कैरेक्टर स्पीक्स टू अनदर कैरेक्टर विच इज़ इन द साइलेंट मोड, ठीक है, और या फिर वो कहीं काफ़ी हद तक वो क्या उस चीज़ें सुनता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए, इन अदर वर्ड्स, यानी कि एक बार फिर से और दूसरी तरीके से इसको समझते हैं। तो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ एनी स्पीच ऑफ सम ड्यूरेशन, ठीक है, एड्रेस्ड बाई ए कैरेक्टर टू अ सेकेंड पर्सन। यानी कि सेकेंड पर्सन को एड्रेस की जाती है, यानी कि एक जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है, इज एनी स्पीच ऑफ सम ड्यूरेशन एड्रेस्ड बाई अ कैरेक्टर टू अ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन को एड्रेस की जाती है। इसको एक प्रकार से सोलिलॉक्वी भी आप कह सकते हैं। जैसे सोलिलॉक्वी में क्या होता है कि जो स्पीकर है वो अपनी बात को रखता है, ठीक है, ऑडियंस के सामने, और ऑडियंस उसको सुन लेती है लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं सुन पाते हैं। तो एक प्रकार से ये सोलिलॉक्वी के बहुत नज़दीक है। तो अ सोलिलॉक्वी इज़ अ टाइप ऑफ मोनोलॉग, एक प्रकार से मोनोलॉग भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, इन विच अ कैरेक्टर डायरेक्टली एड्रेसेस एन ऑडियंस, ऑडियंस को ये डायरेक्ट एड्रेस करता है और स्पीक्स हिज थॉट्स अलाउड वाइल अलोन। यानी कि होता तो अलोन है लेकिन बहुत तेज़ी से ऊंची आवाज़ में ये बोलता है जिससे कि ऑडियंस सुन ले, और वाइल द अदर एक्टर कीप्स साइलेंस, और दूसरे जो एक्टर हैं वो साइलेंस रहते हैं और उनको मतलब ऐसा लगता है कि उनको कोई भी जानकारी नहीं है। तो एक प्रकार से आप कह लीजिए कि जो सोलिलॉक्वी है वो एक प्रकार का मोनोलॉग ही उसको कंसिडर किया जाता है। अब देखिए बेस्ट एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल में सबसे पहला जो नाम आता है माई लास्ट डचेस का आता है, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा ये लिखा गया है। दूसरे से नंबर पे आता है अ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक बाई T.S. एलियट, और यूलिसेस जो है वो ये भी आपका बहुत ही एक रेनाउंड राइटर है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं काइंड्स की, ठीक है, तो काइंड्स में आप अगर हम बात करते हैं तो इसमें काइंड्स के बारे में अगर आ जाए तो तीन प्रकार की हमारी जो मोनोलॉग हैं वो होते हैं। उसमें रोमांटिक मोनोलॉग होता है, साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल मोनोलॉग उस सेकेंड नंबर पे होता है, और कन्वर्सेशनल मोनोलॉग हम थर्ड नंबर पे कंसीडर करते हैं। यानी कि तीन प्रकार की मोनोलॉग होती हैं यहाँ पे। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा जो आंसर होगा वो तीन प्रकार की मोनोलॉग हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो तीन तो एग्जांपल ये हम देख ही चुके हैं, अब माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, दूसरा लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक ये इलियट के द्वारा है, लेडी लेजरस बाई सिल्विया प्लाथ ये थर्ड एग्जाम्पल है, डावर बीच बाई मैथ्यू अर्नॉल्ड, और हॉक्स मोनोलॉग बाई टेड ह्यूज। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपने देखे। तो एक प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस हमारे लिए है। तो आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो था। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग आप समझ गए होंगे, स्पीकर स्पीक्स बिफोर अ साइलेंट ऑडियंस इज़ नोन एज मोनोलॉग, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इसका प्रयोग, एक और चीज़ आपको बता दें, इसका प्रयोग जो होता है, यूज़ होता है, वो ड्रामा में भी होता है और पोएम में भी होता है, यानी कि दोनों में इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।